दोस्तों, अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आपके पास ईएमआई के लिए कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा मेथड जिससे बड़ी आसानी से आप बिना किसी क्रेडिट कार्ड के आसान किस्तों पे कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं, वो भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट से। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल। दोस्तों, इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके। दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है जेस्ट मनी, और वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है और बाद में वो लोग आपकी डिटेल्स को एनालाइज करेंगे और आपके सिबिल स्कोर को चेक करेंगे और बाद में आपको बता देंगे कि आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपकी कितनी लिमिट बनती है और वो सब कैसे करना है, कैसे डिटेल्स भरनी है और कैसे आपको फॉर्म्स इसका फिल करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से, दोनों से ही लॉगिन इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है जेस्ट मनी, तो जो पहला वेबसाइट निकल के आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है और उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और ये जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी अब स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट की डिटेल को पढ़ सकते हैं और नीचे इन्होंने अपनी कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं जिन भी कंपनियों के साथ इनका टाई अप है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी कई कंपनियां हैं जिनके साथ इनका टाई अप है। और इन सभी वेबसाइट से आप इनके थ्रू किसी भी स्मार्टफोन को या फिर और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी ईएमआईज बना देंगे, 3 या फिर 6 ईएमआईज में आपको पैसा देना होगा इन लोगों को। दोस्तों, अगर आप सही से इनकी ईएमआईज पे कर देते हैं तो आप फ्यूचर में इनसे बड़ा लोन भी मांग सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप गेट स्टार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन मांगेगा कि आप अपना नंबर वेरीफाई करवाइए ओटीपी की फॉर्म में। तो आप ओटीपी के जरिए अपना नंबर जैसे वेरीफाई करवाते हैं तो आगे ऑप्शन निकल आएंगी कि आपको अपना फुल नेम और एड्रेस इसमें डालना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना एड्रेस और नेम डाल देता हूँ। दोस्तों, नेम आपको अपना रियल नेम यहाँ पे डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है और आधार कार्ड पे है, और अपने आधार की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो जैसे आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल कर देते हैं तो आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आगे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन इनको देनी होगी कि आप क्या काम करते हैं, कितनी आपकी मंथली इनकम है, आप फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सब डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको अपना बैंक चूज करना है, और या तो फिर आप इसे नेट बैंकिंग से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी नेट बैंकिंग से इसमें लॉगिन करते हैं या फिर अपनी स्टेटमेंट को इसमें अपलोड करते हैं तो आपके ये बैंक डिटेल को एनालाइज करेगा। दोस्तों, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बैंक डिटेल्स को थोड़ा एनालाइज करेगा, तभी ये आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। दोस्तों, इसके बाद ये मांगता है आपसे आपका आईडी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप और कोई भी आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, तो आप इन दोनों जगह पे एक आईडी को भी अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग को भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। चाहे तो आप उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं या फिर आप उसकी फ़ोटो को भी यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है अपलोडिंग में, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये दोनों आईडीज अपलोड होने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा इसमें आपको कुछ और जानकारी अपनी भरनी है। पहले ही भरी होंगी वैसे तो, आपका अकाउंट नंबर वगैरह ये डिटेल आपकी उठा लेगा, और जो नहीं भरी होगी आपको उसे फिल कर देना है यहाँ पे, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा
कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए और अभी ये आपकी सभी बैंक डिटेल को एनालाइज करेगा और आपकी लिमिट को यहाँ से जनरेट करेगा कि आपके बैंक और सिबिल स्कोर के हिसाब से कितनी लिमिट आपकी यहाँ पे बनती है। इस प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने मेरी लिमिट बनाई है 12,000, तो मैं 12,000 का कोई भी सामान या फिर स्मार्टफोन परचेज कर सकता हूं और उसका भुगतान मुझे इन्हें EMIs के रूप में देना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जिस भी वेबसाइट से हमें स्मार्टफोन परचेज करना है या फिर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करना है तो उसका यहाँ से हमें कूपन कोड मिल जाएगा जिसे हम वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं और बाद में हमें जेस्ट मनी वालों को आसान किस्तों में उन्हें भुगतान करना होगा 3 या फिर 6। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपको कोई स्मार्टफोन परचेज करना है किस्तों में तो आप यहाँ पे आकर अपना कूपन कोड लेकर उसे परचेज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। दोस्तों इसकी टर्म एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिए और आपको नीचे दिए हुए सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप ज़रूर से उन्हें एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।